हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं अनबॉक्स करने वाले हैं रियलमी सी इलेवन फ़ोन को। इसको मैंने फ्लिपकार्ट से बाय किया है, मेरे को 6000 समथिंग का पड़ा है। इसके बॉक्स पे भी आप देख सकते हो क्या क्या मेंशन किया गया है। यहाँ पर 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है, इसे देख सकते हो। और यहाँ पर लिखा है Helio G35 गेमिंग प्रोसेसर। तो भाई इसको गेमिंग की प्रोसेसिंग भी टेस्ट करेंगे क्या कुछ इसमें मिलती है। तो देखते हैं जल्दी से, इसको हम अनबॉक्स करते हैं पहले। तो इसकी सील यहाँ पर आपको मिल जाती है। अगर आपके बॉक्स पे ये सील ना हो तो आप इसको इजीली रिटर्न कर सकते हो। तो जल्दी से इसको ओपन कर लेते हैं हम। खुल जा भाई। तो सबसे पहले बॉक्स के अंदर मिलता है आपको छोटा सा फ्लैट बॉक्स, जिसके अंदर आपको मिलते हैं मैनुअल्स जिसका कोई भी काम नहीं है अभी हमारे लिए। और आपको मिल जाती है एक सिम इंजेक्टर पिन, जिसकी मदद से आप अपने फ़ोन के सिम ट्रे को निकाल सकते हो, डाल सकते हो, मतलब पढ़ तो अपने आप जाती हो। और मिलता है आपको फ़ोन जिसके लिए आपको पैसे पे किए मेन। और बॉक्स में आपको मिल जाता है एक चार्जर, जिसकी मदद से आप अपने फ़ोन को चार्ज करने वाले हो। यहाँ पर आपको 5V 2A का चार्जर मिल जाता है, जो कि फास्ट चार्जर भी हम कह सकते हैं इसको। और ब्रांडेड केबल मिल जाती है, ख़तरनाक हाई क्वालिटी। तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं हमारा फ़ोन यहाँ पर हमको कैसा मिलता है। जैसे कि देख सकते हो दोस्तों, आपकी स्क्रीन यहाँ पर दिख रही होगी फ़ोन की। फ़ोन के बैक साइड में अगर हम देखें तो यहाँ पर इसके ये क्या लगा हुआ है, ये मुझे लगता है सार वैल्यू लिखी होती है फ़ोन की रेडिएशन वाली। इसके भाई कोई काम नहीं है, हम इसको हटाते हैं। और ये हमने हटा दिया। और बैक साइड में कैमरा ये देखो, ड्यूल कैमरा है, 13 MP, ख़तरनाक फ़ोटो खींच सकते हो आप इससे। तो ओवरऑल बॉक्स में आपको दोस्तों इतनी चीज़ें यहाँ पर मिल जाती हैं। तो फ़ोन के लुक वाइज के बारे में बात करें तो रियलमी का लोगो मिल जाता है बैक साइड में, और कैमरा मिल जाता है उभरा हुआ थोड़ा, तो इससे आप स्क्रैच इजीली यहाँ पर डाल सकते हो। और विड्थ के बारे में बात करें तो 9.28 mm की आपकी मोटाई मिल जाती है। और स्क्रीन पे आप देख सकते हो। और ये साइड में बात करें तो साइड में वॉल्यूम अप एंड डाउन और पावर की यहाँ पर मिल जाती है आपको। और नीचे की साइड में माइक, चार्जिंग पोर्ट, 3.5 mm जैक और स्पीकर मिल जाता है। और साइड में आपके सिम ट्रे भी मिल जाती है, जहाँ से आप सिम इसमें घुसेड़ने वाले हो, मतलब डालने वाले हो सिम। इसमें 2 SIM and 1 SD कार्ड यहाँ पर डाल सकते हो आप। तो जल्दी से हम इसको ऑन कर लेते हैं। ऑन कर लिया और ये सेटअप वेटअप तो आप कर ही लोगे, तो इसको हम जल्दी जल्दी कर देते हैं। तो फ़ोन हो चुका है हमारा ऑन, और देख सकते हो आप स्क्रीन आ चुकी है हमारी। तो जल्दी से इसकी सेटिंग्स में जाके, अबाउट सेक्शन में जाके देखते हैं हम इसको क्या क्या स्पेसिफिकेशन इसमें दी गई हैं। ऑक्टाकोर प्रोसेसर, 2GB RAM, एंड वीडियो को पॉज करके आप यहाँ पर देख सकते हो क्या क्या है इसमें। और इसमें लिखा हुआ था गेमिंग के बारे में, कुछ प्रोसेसर लिखा हुआ था इसके बॉक्स के ऊपर, तो वो भी हम देखते हैं। अब इसका गेमिंग टेस्ट करते हैं भाई, कॉल ऑफ ड्यूटी खेलने वाले हैं हम इसके लिए। और देखते हैं क्या कुछ सेटिंग्स इसमें करनी पड़ेंगी। तो जल्दी से हम एक मैच करते हैं फटाफट। तो मैच जो है वो चल चुका है, और देखते हैं क्या कुछ होता है भाई। खतरनाक डांस करता है जहर। स्मूथ चल रहा है, स्मूथ चल रहा है, असली में स्मूथ चल रहा है। तो वैसे मैंने सेटिंग्स में जाके देखा तो था, उसमें लो से ज़्यादा दिखाई नहीं रहा है। कॉल ऑफ ड्यूटी की ग्राफिक सेटिंग लो से ज़्यादा हो ही नहीं रही है दोस्तों। तो वैसे लो पे भी खेलना कोई बुरी बात नहीं लग रही मेरे को, काफ़ी क्लियर दिख रहा है यहाँ पर, बहुत क्लियर है, सही है वे। नॉर्मल गेमिंग के लिए सही है भाई, जो नॉर्मल गेमिंग करता है उसके लिए काफ़ी सही है फ़ोन। कॉल ऑफ ड्यूटी तो भाई सही चल रहा है बिल्कुल, बस ये लो सेटिंग पे चल रहा है बिल्कुल, इतना ही प्रॉब्लम है, लो सेटिंग पे चल रहा है। तो भाई गेमिंग एक्सपीरियंस के बारे में अगर मैं बताऊँ आपको, तो भाई नॉर्मल गेमिंग के लिए काफ़ी सही फ़ोन रहेगा। जिसको नॉर्मल गेमिंग करना रहता है मतलब दोस्तों, गेमिंग एक्सपीरियंस के बारे में अगर मैं बताऊँ आपको, तो मतलब नॉर्मल गेमिंग के लिए काफ़ी सही फ़ोन रहेगा। मतलब जिसको लो सेटिंग पर गेमिंग करना, जिस पे मतलब ग्राफिक्स पे कोई असर नहीं उसको फ़र्क पड़ता, कितने भी ग्राफिक्स हो बस गेम चलना चाहिए, तो उसके लिए काफ़ी अच्छा फ़ोन है। तो गेम तो ज़्यादातर चला ही देता है मतलब लो सेटिंग पे, तो
तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब कर दो, और हमारे डिस्कॉर्ड ज्वाइन नहीं किया तो डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लो, और अगर आपको इस फोन के बारे में जानना है, कुछ भी जानना है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो।